प्रेम, दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये प्रेम अंततः है क्या। माना कि ये समर्पण है, माना कि एक दूसरे में खो जाना है, किंतु इसका अनुभव क्या है, इसका भाव क्या है। अब प्रेम को पूर्णतः परिभाषित करना कान्हा के वश में तो नहीं है, क्योंकि ये प्रेम है इतना महान, किंतु प्रेम के विशुद्ध अनुभव के बारे में मैं बता सकता अपने अनुभव को लेकर। देखिए, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है। ये प्रेम वो सोच जो पल भर में मुख पर मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती है। ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान ला दे, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर ले है। अद्भुत है ये प्रेम। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। मनुष्य में एक विशेषता है, और वो ये कि वो सदैव यही सोचता है कि सब में वही विशेष है। सदैव सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाना चाहता है, सदैव चाहता है कि हर स्थान पर उसे ही यश मिले। किंतु जब बात आती है प्रेम की, तो प्रेम एक ऐसा विशेष भाव है जो मनुष्य से कहीं अधिक है। प्रेम में जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति की प्रसन्नता आप सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। उस व्यक्ति से यदि हार जाओ तो मुख पर कड़वाहट नहीं, होठों पर मुस्कुराहट आती। जिसे आप प्रेम करते हो यदि उसे हरा कर आप जीत रहे हो, तो ये जीत नहीं, ये सबसे बड़ी हार। तो अब चयन आपका है, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि प्रेम की जीत हो, या आप चाहेंगे कि आपकी जीत हो? राधे राधे। दीपक, इस दीपक को प्रज्वलित करने में किसकी आवश्यकता होती है? बाती, घी, सिंगार, बस? नहीं, वास्तविक सत्य तो ये है कि इसको प्रज्वलित करने में वायु का भी योगदान होता है। वायु जो ना केवल हमें प्राण देती है, इस अग्नि को भी प्रज्वलित करने में सहायता करती है। अब देखिए, देखा, जिस वायु ने इस अग्नि को प्रज्वलित किया उसी ने इसे बुझा दी। बस उस वायु की गति तनिक अधिक थी, है ना? अर्थात प्रत्येक भाव का, हर वेग की एक सीमा होती है जिसे लांघना नहीं चाहिए। उस सीमा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। अब कभी कभी जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनकी सहायता करते 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 हम उन्हें दुर्बल बना देते, ये कभी नहीं होना चाहिए। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी इतनी ही सहायता कीजिए कि वो उनके लिए प्रेरणा बन सके, अन्यथा ये सहायता नहीं होगी, ये उनके लिए शस्त्र बन जाएगा। राधे राधे। मनुष्य में एक छोटी सी समस्या है, वो कभी स्वयं की निंदा सुन नहीं पाता। यदि कोई उसके विषय में कुछ बुरा कहे, सह नहीं पाता। सदैव भयभीत रहता है कि ये जो चार लोग हैं कहीं मेरे विषय में बुरा ना सोचे। और यदि उसे पता लग जाए कि कोई उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है, तो दुखी हो जाता। अब
क्या इस कारण से स्वयं को दुखी कर लेना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको स्मरण रखनी, यदि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है वो पहले ही आपसे दो कदम पीछे है ना। ईर्ष्यावश आपके विषय में सारी बातें कर सकता है, किंतु यदि ऐसा नहीं, यदि वो सत्य कह रहे हैं तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझ, उस सत्य को समझ और निकाल फेंके इन अवगुणों को, और फिर भी आप उनसे दो कदम और आगे बढ़े, क्योंकि ये जीवन रथ ये आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। तो ये पीछे देखना छोड़, जो वर्तमान है इसे देखें, इसे जी, जो भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है उसे साथ, और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमित चिन्ह हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न है, दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा, यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं, ये आपके लिए लाभदायक नहीं। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण आपकी महत्ता बहाएंगे। राधे राधे। जीवन में सभी महान बनना चाहते हैं, सभी बड़ा बनना चाहते हैं, किंतु बड़ा बनते कैसे हैं? ये मेरे हाथ में क्या है? राई का बीज? नहीं, ये बरगद का बीज, इतना छोटा कि बड़ी सरलता से अन्य बीजों में घुल मिल जाता है, बड़ी सरलता से धरती में समा जाता है, किंतु जब ये वृक्ष बनकर उभरता है, उसके पश्चात जब गिरता है, समस्त वातावरण को हिला देता है। कुछ इस प्रकार बड़ा बनिए, बरगद का बीज, बरगद का वृक्ष। और यदि जीवन में आप इसी प्रकार बड़ा बनना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने अहम को, अपने अभिमान को छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कि आप सबके साथ बैठ सके, किंतु भीतर इतना बड़ा बन जाइए कि जब आप उठें कोई और बैठा ना रहे। राधे राधे।